नायक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। नील बट्टे सन्नाटा, शुभ मंगल सावधान, मुक्काबाज और तुम्बाड जैसी फिल्मों पर पैसा लगा चुके हैं। तुम्बाड को री रिलीज में मिले तगड़े रिस्पॉन्स पर बात भी की उन्होंने। उन्होंने कहा कि कोई भी फिल्म तभी चलती है जब जनता उस पर पूरा प्यार उड़ेल दे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में आनंद ने कहा, जब आपको नंबर भले कम मिले मगर लोगों का प्यार ज़्यादा मिले, तब मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए और अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ये सेफ प्ले करने जैसी बात नहीं है। मैं प्रोड्यूसर के तौर पर एक फिल्म बनाते समय हमेशा एडवेंचरस रहना चाहता हूँ, कुछ रोमांचक करना चाहता हूँ। सेफ रहकर चलना सेफ्टी नेट मेरे लिए नहीं है। आनंद राय ने यह भी कहा कि जनता से कनेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, बतौर प्रोड्यूसर मैं अपनी सफलता को इस लिहाज से नहीं देखता कि मेरी फिल्में कितनी चली, मैं ये देखता हूँ कि मेरी फिल्में ऑडियंस के पास अच्छी तरह से पहुंची या नहीं पहुंची। अगर जनता उस फिल्म को पसंद नहीं भी कर रही है, तब भी वो मेरे लिए एक सीख जैसा है। मुझे पता चल जाता है कि आगे मुझे कैसे काम करना है, मुझे क्या बदलाव करना है। ये मेरे लिए दो लोगों के संबंध जैसा है, मेरे और मेरी ऑडियंस का संबंध। राय ने कहा, ऐसा नहीं है कि जिस तरह अभी एक्शन और हॉरर कॉमेडी फिल्मों का चलन है वो हमेशा ही चलता रहेगा, इसमें भी बदलाव आएगा। फिर कुछ साल बाद लोग किसी और जॉनर को देखना पसंद करेंगे। तुम्बाड के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने भी बात की। उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त सोहम शाह को कहा था कि फिल्म को प्यार मिलना ज़रूरी है, पैसे हम कमाते रहेंगे, मगर अब तुम्बाड की री रिलीज के बाद इसे प्यार भी मिल रहा है और पैसा भी। आपको अच्छा लगता है, हम जानते थे कि ये फिल्म जनता को याद रहने वाली है। खैर, तुम्बाड ने री रिलीज से 9 दिनों में करीब 20 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। पहले 7 दिनों में इसने 13.15 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म ने ओरिजिनल रिलीज के वक्त भी सिर्फ 13 करोड़ रुपए ही कमाए थे और री रिलीज में इसने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।